नमस्कार दोस्तों मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक नए वीडियो में जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फेक लोन ऐप्स एन बी एफ सी बिग अपडेट डोंट ट्रीपेमेंट गैस कुछ एन बी एफ सीज़ का कहना है प्ले स्टोर पर जो पुरानी एप्लीकेशन थी वह एप्लीकेशन कुछ एन बी एफ सीज़ का नाम ले करके दोबारा आ रही हैं और उन एन बी एफ सीज़ का कहना है कि देखिए आप लोगों को ऐसी एप्लीकेशन से सतर्क रहना है अवेयर रहना है और हमारे नाम पर अगर कोई एप्लीकेशन पैसा मांगे तो हमसे इमीडिएटली संपर्क करें और हमसे प्रॉपर डिटेल प्राप्त करें तो गई इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको जय जनशक्ति न्यूज़ चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है कल ये वीडियो आ जाएगी ग्यारह बजे के आसपास तो आपसे रिक्वेस्ट है जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें लिंक मेरे द्वारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और जितना हो सके वीडियोस को शेयर करें देखिए वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको बैंक और एन बी एफ सीज के द्वारा जो लोगों के साथ में उत्पीड़न होता है जो लोन एप्लीकेशन के द्वारा लोगों के साथ में उत्पीड़न किया जाता है उसी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी और यहाँ पर आपको जो वीडियो मिलती हैं वो मल्टीपल टॉपिक्स पर मिलती हैं चाहे कोई लोन एप्लीकेशन हो चाहे कोई मतलब न्यूज़ हो हर एक चीज़ यहाँ पर आपको मिलती है वैसे यहाँ पर आने वाले वक्त में जय जन शक्ति पर आपको फाइनेंस से रिलेटेड ही जानकारी दी जाएंगी और बाकी कोई भी किसी प्रकार का स्कैम हो देखिए उसकी जानकारी आपको जय जन शक्ति न्यूज़ पर ही मिलेगी लिंक मेरे द्वारा डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है आपसे रिक्वेस्ट है जितना हो सके वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ज़़़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वो कौन सी एन हैं जिन्होंने ये अपडेट दिया है और वो कौन सी ऐसी लोन एप्लीकेशंस हैं जो कि इस प्रकार की हरकतें लोगों के साथ में कर रही हैं लोगों को डरा रही हैं लोगों को धमका रही हैं तो चलिए मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी सब्सक्राइबर से मेरा यही निवेदन है अगर आप चाहते हैं कि हम खुल कर के इन लोन एप्लीकेशन का खुलासा कर सकें खुल कर के लोगों को सच्चाई दिखा सकें राहुल निमेश ने जो मुहिम दोबारा शुरू की कर दी है अब दोबारा इनके खिलाफ अच्छे तरीके से चाहे कोई एन रजिस्टर्ड है चाहे कोई भी है जो गलत करेगी नहीं बख्शा जाएगा धन्यवाद